गुरुग्राम पुलिस ने 3 ऐसे शातिर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जो उन लोगों को निशाना बनाते थे जो अपने वर्करों की सैलरी के पैसे बैंक से निकाल कर जाते थे। ऐसी ही एक वारदात को 16 जनवरी 2021 को एमजी रोड पर इन लुटेरों ने अंजाम दिया था, लेकिन और किसी वारदात को अंजाम दे पाते उससे पहले ये शातिर लुटेरे पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि इन्होंने कंपनी के कर्मचारी से 1,70,000 रुपये लैपटॉप व मोबाइल छीना था और जिस मोटरसाइकिल पर इन्होंने वारदात को अंजाम दिया था वो भी 2 दिन पहले इन्होंने चोरी की थी। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ में जुटी है कि और कितनी वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया। जी सर। सर, पुलिस ने 3 अपराधियों को पकड़ा, क्या है पूरा मामला? ये दिनांक 16 जनवरी 2021 को हमारे SPR रोड पे एक व्यक्ति बैंक से पैसे निकलवा के और एक कंपनी में पेमेंट उसको डिस्ट्रीब्यूट करनी थी मजदूरों को, उसके लिए 1,70,000 रुपये लेके वो जा रहा था मोटरसाइकिल पे, तो 3 लोगों ने उसके सामने मोटरसाइकिल लगा के उसके साथ मारपीट करके वो नकदी, उससे लैपटॉप, उसके मोबाइल फ़ोन, वो सारी चीज़ें वो लूटपाट करके और भाग गए थे, जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर किया उस जो घायल व्यक्ति था उसके बयान पे, और बादशाहपुर पुलिस स्टेशन में ये केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। उसके बाद हमारी क्राइम यूनिट सेक्टर 40 ने इसमें काम करना शुरू किया और बहुत ही सूझबूझ से काम करते हुए अपने गुप्त सूत्रों के माध्यम से क्राइम टीम ने एक व्यक्ति अरुण को गिरफ्तार किया जो इसी कंपनी में काम करता था, जिस कंपनी के एम्प्लॉय के साथ लूटपाट हुई थी, जिसको ये जानकारी थी कि इस तारीख को ये आदमी पैसे लेके आएगा और उस तारीख को सैलरी बटनी है, और उसने 2 आदमियों को और अपने साथियों को तैयार किया जो एक सिवान बिहार का है और एक वैशाली बिहार का है, उनको भी अपने साथ मिला लिया और उन्होंने उसको मारपीट करके चोट पहुंचा के उससे नकदी, फ़ोन और लैपटॉप छीन के भाग गए थे। उसके बाद अरुण के बताए अनुसार हमने गोरखपुर से एक व्यक्ति मोहम्मद इब्रान को गिरफ्तार किया और एक व्यक्ति सिवान से विशाल पटेल को गिरफ्तार किया, जिन्होंने तीनों ने इस घटना को अंजाम दिया था और उन्होंने इस घटना की सभी कोर्ति की है। अब उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है और उसमें घटना में शामिल जो 31,000 रुपये की हमने रिकवरी की है, एक लैपटॉप इनसे हमने बरामद किया है और एक मोबाइल फ़ोन जो इन्होंने यूज किया था और एक मोटरसाइकिल जो इन्होंने यूज की थी उसकी बरामदगी के लिए अभी इन्होंने इंसाफ किया है, तो आज उनका पुलिस रिमांड हासिल करके उसकी बरामदगी की जाएगी। ये जो घटना अंजाम देने से पहले इन्होंने पहले सदर के इलाके से 2 दिन पहले एक मोटरसाइकिल को चोरी किया स्पेशल इसी काम के लिए और फिर उस मोटरसाइकिल से इस घटना को इन्होंने अंजाम दिया पूरी तैयारी के साथ, तो अब हमने इनको अरेस्ट किया है। अगर हम इनको नहीं गिरफ्तार कर पाते तो इनकी मंशा और भी इस तरह की वारदात करने की रही थी। और भी कोई बैकग्राउंड है इनका, क्रिमिनल बैकग्राउंड? इनकी अभी हिस्ट्री पता की जा रही है और इनकी पूरी डिटेल के बारे में अभी जानकारी प्राप्त की जा रही है। हथियार बरामद किए सर? जो रोड वगैरह इन्होंने यूज की थी वो आज हम पुलिस रिमांड लेने के बाद बरामद करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू।